हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चनास फूड ऑफ फ्लेवर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक और ट्रेंडिंग रेसिपी, लिक्विड डो पराठा। इसके लिए हमें आटा गूंदने की और न ही रोटी बेलने की जरूरत है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बाउल आटा, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 2 से 3 लहसुन की कली, फ्रेश हरा धनिया, घी, ऑयल या बटर पराठे को सेकने के लिए और आवश्यकता अनुसार पानी। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक और इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला बेटर बना देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है। हमें इसे चीले की कंसिस्टेंसी में रखना है, ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा हम नहीं रखेंगे और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना बने। आटे को घोलने के बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक तवे को गर्म करेंगे। तवा बहुत हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इस बैटर को फैला देंगे और राउंड शेप देंगे। इस पराठे को बनाने के लिए नॉनस्टिक तवे का ही यूज करेंगे। अगर नॉनस्टिक तवा ना हो तो आप नॉर्मल तवे को हल्का सा ऑयल या घी से ग्रीस कर सकते हैं। हमारा पराठा एक साइड से अच्छे से सिक गया है, इसकी किनारियां निकलने लग गई है। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। पराठा दूसरी साइड से भी सिक गया है। अब हम इसे पलट देंगे और दोनों साइड से हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेक लेंगे। हमारा पराठा हल्का हल्का फूलना स्टार्ट हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे। ये पराठा नॉर्मल रोटी या पराठे से बनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, तो पेशेंस के साथ हम इसे बनाएंगे। इसे प्रेस करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। हमारा पराठा अच्छे से फूल गया है। अब हम इस पे दोनों साइड बटर लगा के इसे सेक लेंगे। आप चाहे तो इसे बिना बटर, ऑयल या घी के भी खा सकते हैं। इसे पलट देंगे। हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गया है। हमारा गर्मा गर्म यूनिक पराठा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी, अचार या दही के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप अपना सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह बनाए रखेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।